अभी ऑपरेशन टू में चलेंगे। तो ऑपरेशन टू का जो एरिया है वो है यहाँ पे, ये जो एरिया है ये है ऑपरेशन टू का। इसका चेकिंग साइन में बोलेंगे इलेस डीजे ग्लोव्स अगेन विद इन 15 सेकेंड आफ्टर टेकिंग 6 ट्रैक्शन नॉचेस। आप 6 ट्रैक्शन नॉच लेते हैं और 15 सेकेंड का अंदर में एलएस डीजे का बत्ती जल जाता है। ये है ऑपरेशन टू। तो इसका जो प्रोबेबल कॉज है वो है ड्यू टू नॉन क्लोजिंग ऑफ आइदर C105 और C106 और C107 और इट्स डिफेक्टिव इंटरलॉक। यानी कि C105, C106, C107 कॉन्टैक्टर क्लोज ना होना, या तो उसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक में कुछ खराबी होना। तो इसका दोष निवारण कैसे करेंगे हम लोग? इसका दोष निवारण में दो पार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि पहला पार्ट में हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि कॉन्टैक्टर क्लोज है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि HVMT 1, HVMT 2, HVR इस तीनों स्विच वन में है। फिजिकली जाके इंश्योर कर लीजिए MBMT 1, MBMT 2, MBRH काम कर रहा है, लेकिन फिर भी 6 नॉच लेने के बाद आपको ट्रिपिंग मिल रहा है। तो ये जो केस है, ये केस है खराब नॉर्मल ओपन इंटरलॉक के चलते, ड्यू टू डिफेक्टिव नॉर्मली ओपन इंटरलॉक। क्योंकि इसमें कॉन्टैक्टर क्लोज है, ब्लोअर चल रहा है, तो ट्रिपिंग जो मिल रहा है ये है खराब इंटरलॉक के चलते। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जैसा C105 जो कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर क्लोज है। तो कॉन्टैक्टर जब क्लोज है तो इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक भी क्लोज होना चाहिए, लेकिन इसका इंटरलॉक में कुछ खराबी है, इसके कारण इधर से क्लोज नहीं हो रहा है। तो इधर से तो 5 नॉच तक आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो इंटरलॉक है GR का, ये 5 नॉच तक क्लोज है। जहाँ आपने 6 नॉच ले लिया यहाँ से भी ओपन हो गया, और ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ, इसीलिए Q118 में फीड नहीं आया, इसीलिए आपको ट्रिपिंग मिल गया। तो इसका ट्रैवल शूटिंग आप कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, लोको में यदि HC105 है, यहाँ एक बात है, अगर लोको में HC105 होगा तो ये जो HVMT 1 और HVMT 2 का बाईपासिंग पाथ आप देख रहे हैं वो नहीं होगा। मैंने आइदर और है, जिस लोको में HC105 है उसमें क्या होता है, 105, 106, 107 ये तीनों का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक इधर से बाईपास हो जाएगा। लेकिन जिसमें HC105 नहीं है उसमें सिर्फ C105 और C106 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक बाईपास हो सकता है, आइदर HVMT 1 या HVMT 2 के जरिए। तो पहले हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लोको में HC105 है। तो HC105 होने से उसको आप जीरो में डाल दीजिए। उसको जीरो में डाल देने से ये तीनों इंटरलॉक बाईपास हो जाएगा और आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। और यदि HC105 नहीं है तो ये दोनों स्विच को 3 में डाल दीजिए। दोनों स्विच को 3 में डालने से C105 और C106 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक बाईपास हो जाएगा। अभी दोनों स्विच को 3 में डालने के बाद में फिर से 6 नॉच लेके देखिए। गाड़ी अगर कोई सिग्नल में खड़ा है तो HVSI 1, HVSI 2 को 0 करके 6 नॉच लेके टेस्ट कर लीजिए। यदि सफलता मिला तो आप ब्लॉक सेक्शन क्लियर कर दीजिए। ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के बाद एक एक करके स्विच को 1 में लौटाइए। जिस पर्टिकुलर स्विच को 1 में लौटाने से 6 नॉच में फिर भी ट्रिपिंग मिलता है वो स्विच को आप 3 में रख दीजिए। और यदि ऐसा हुआ
कि ये दोनों स्विच आपका तीन में है, लेकिन फिर भी छः नॉच में आपको ट्रिपिंग मिल रहा है। इसका मतलब है ये C107 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक में खराबी होना। ये दोनों स्विच को तीन में रखने से ये दोनों इंटरलॉक बाईपास हो रहा है, लेकिन ये इंटरलॉक बाईपास नहीं हो रहा है। तो यदि HBMT 1 2 दोनों को तीन में रखने के बाद भी छः नॉच में ट्रिपिंग मिलता है, दैट इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ऑफ C107। तो इसमें आप क्या करेंगे, अभी आपका गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में है तो ट्रिपिंग तो दिलवा रहा है आपको Q118, तो Q118 को वेज करके पहले आप ब्लॉक सेक्शन क्लियर कर लीजिए। उसके बाद मिनिमम सेफ्टी लीजिए और Q118 का वेज को हटा दीजिए। हटा देने के बाद ये जो C107 है इसको मैनुअली फ्यू टाइम्स ऑपरेट कर दीजिए। उसका बाद में फिर से 6 नॉच लेके टेस्ट कीजिए, यदि सफलता मिला तो ठीक है, और यदि सफलता नहीं मिला तो C107 को क्लैम कर दीजिए। C107 को क्लैम कर देने से उसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक इसमें लग जाएगा। तो ये है इसका ट्रबल शूटिंग, व्हेन ऑल द कॉन्टैक्टर्स आर क्लोजिंग बट ट्रिपिंग ऑकर्स ड्यू टू द डिफेक्टिव नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ऑफ आइदर C105 और C106 और C107। अभी हम लोग इसका सेकेंड पार्ट में जाएंगे, व्हेन वन और मोर कॉन्टैक्टर्स आर नॉट क्लोजिंग, एक या एक से अधिक कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं हो रहा है। तो आपने BLVMT क्लोज किया लेकिन एक या एक से ज़्यादा कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं हुआ, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये ऑल ऑक्सिलियरी नॉट वर्किंग का ट्रबल तो नहीं है, यही है मेन। एट फर्स्ट यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेदर द ट्रिपिंग ऑकर्स ड्यू टू ऑल ऑक्सिलियरी नॉट वर्किंग, दैट मीन्स आइदर CCA और Q100, और इट इज़ सिंपली द ट्रबल ऑफ ऑपरेशन टू। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आप BLCP D को क्लोज कीजिए। BLCP D को क्लोज करके आप देख लीजिए कॉम्प्रेशर चल रहा है कि नहीं। यदि कॉम्प्रेशर चल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये ऑल ऑक्सिलियरी नॉट वर्किंग का ट्रबल नहीं है, ये सिर्फ ब्लोअर कॉन्टैक्टर का खराबी के चलते ही हो रहा है। तो जो ब्लोअर कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं हुआ उसको क्लैम कर दीजिए, और DJ क्लोज करने के लिए Q118 को मैनुअली ऑपरेट कीजिए। ये याद रखना होगा आपको कि कन्वेंशनल लोगों में जब भी आप ब्लोअर कॉन्टैक्टर को क्लैम करते हैं, सपोज़ एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, सपोज़ C105 को आपने क्लैम किया, तो Q118 को मैनुअली ऑपरेट करने का क्या ज़रूरत है। क्लैम करना बोलने से उसको मैनुअली हम लोग एनर्जाइज कर देते हैं, तो जहाँ C105 को हम लोग मैनुअली एनर्जाइज कर दिए तो ऊपर में इसका जो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाएगा, Q118 में फीड नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग Q118 को मैनुअली ऑपरेट करेंगे, और मैनुअली ऑपरेट करने का जो तरीका है, ड्राइविंग डेस्क में BLDJ और BLVMT क्लोज रहेगा, BLCPA तो हमेशा क्लोज ही रहता है, और आप चले जाएंगे रिले पैनल में, एक हाथ से BP2DJ और दूसरा हाथ से Q118 को प्रेस करेंगे। जब DJ क्लोज हो जाएगा तो BP2DJ को छोड़ देंगे, और जब सभी ब्लोअर स्टार्ट हो जाएगा या तो एक मिनट बाद में Q118 को छोड़ देंगे। तो इसमें BLVMT क्लोज करने का यही उद्देश्य है, क्योंकि फीड को ये रास्ता से लाना है। मान लीजिए 105, 106, 107 तीनों में से कोई एक को या तीनों को आपने क्लैम किया तो इधर से ये सब नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन होगा, लेकिन उस टाइम में फीड ये रास्ता से आ जाएगा, इसीलिए आप BLVMT को क्लोज करके Q118 को मैनुअली ऑपरेट करते हैं। तो ये है ऑपरेशन टू का ट्रबल शूटिंग। लेकिन मान लीजिए आपका मल्टीपल लोको है और ट्रेलिंग लोको में ऑपरेशन टू मिला,
ट्रेलिंग लोको में ब्लोअर कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं हो रहा है, तो ट्रेलिंग लोको में ज़रूर ब्लोअर कॉन्टैक्टर को क्लैम करना होगा, और ट्रेलिंग लोको में ये तीनों स्विच जो है, ये तीनों स्विच को तीन में डालना होगा। मान लीजिए ये ट्रेलिंग लोको का सर्किट है, जब आप इसका 105, 106, 107 को क्लैम करेंगे तो ये तीनों कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए 118 में फीड लाने के लिए ये तीनों स्विच को तीन में डाल दीजिए। ये तीनों स्विच को तीन में डालने से फीड ये रास्ता से आ जाएगा, और ऐसे ही आपको ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना होगा।